नगर पंचायत को भव्य रूप से सजाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया और लोगों को गणतंत्र दिवस के पर्व में शामिल होने के लिए एकत्रित किया, जिससे कि नगर पंचायत परिसर में काफी लोगों की भीड़ देखने को मिली, जो कि बड़े उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस के पर्व मनाने यहां नगर पंचायत परिसर में उपस्थित रहे और अपनी उपस्थिति आज हमारे नगर कुलपहाड़ में नगर पंचायत परिसर में गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया, जिससे कि कुलपहाड़ के तमाम वृद्ध व युवा लोग इस पर्व में शामिल हुए और यहां के तमाम सदस्य और नगर पंचायत अध्यक्ष और प्रतिनिधि गणतंत्र दिवस के पर्व में शामिल रहे और यहां के अधिशासी अधिकारी श्री निर्दोष कुमार दीक्षित ने जहाँ पर ध्वज लहराकर गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर यहां के लोगों से शपथ दिलवाई कि हम अपने देश के प्रति ईमानदार और लगन से काम करेंगे, जिससे कि हमारा देश थोड़ा आगे नहीं बल्कि बहुत आगे जाए और संविधान का पाठ याद दिलवाया।
इसके साथ ही कस्बे की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा में भी झंडा लहराने का काम 9 बजे के लगभग किया गया, जिसमें भी काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे और राष्ट्रगान को अपने जुबानों बांध। और इसके साथ ही नगर कुलपहाड़ के व्यापार मंडल की तरफ से मेन मार्केट कुलपहाड़ में भी झंडा लहराने का काम किया गया, जिसमें व्यापार मंडल के अधिकारी और व्यापारी बंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल चलादि तरंग कब सुगुना में जागे कब शुभ आशीष मांगे लाहे कब जय गाथा भारत भाग्य विधाता अमर रहे एकत्रित रहे और वीर जवानों के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने हमें आजादी दिलाई और हमने उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, और बताया कि हमें उन्हीं की भांति हम सभी को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की परवाह भी नहीं की और देश के लिए अपना खून बहा दे रहे। अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए इस देश को बलिदान करवाया। बलिदानी के पर्व पर हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हुए हैं उनकी याद में आज ये गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जाता है। मैं सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि सभी व्यापारी भाई चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, 2 अक्टूबर हो, गणतंत्र दिवस हो, 26 जनवरी हो, अपने समय से आए।